इसराइल ईरान में चल रहे तनाव के बीच रविवार रात सीरिया में अमेरिकी फौज के ठिकानों पर हमले हुए। यह हमला इराक से किया गया। इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक अमेरिका के मिलिट्री बेस पर निनेवे इलाके से 5 रॉकेट दागे। फिलहाल हमला करने वालों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले का आरोप इराक में ईरान समर्थित समूह काले हिजबुल्ला पर है, जो इराक से अमेरिकी फौज को बाहर करना चाहता है। हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी अमेरिका के दौरे पर गए थे। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति से मांग की थी कि वो इराक से अपनी फौज को निकाल ले। इराक के मिलिट्री अधिकारियों के मुताबिक सीरिया से इराक के शहर जुमाल में एक छोटे ट्रक से रॉकेट लॉन्च किए गए। इस दौरान जिस ट्रक पर रॉकेट लॉन्चर रखा हुआ था उसमें भी विस्फोट हो गया। इस विस्फोट के दौरान इराक में कुछ फाइटर जेट्स दिखाई दिए थे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि हमले के बाद अमेरिका ने ट्रक पर कार्रवाई की है, जिसके बाद पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। हालांकि इराक की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अमेरिका के कार्रवाई करने वाली बात पर अब तक कोई जानकारी नहीं दी है। सीरिया में अमेरिका के ठिकानों पर हमला उस वक्त हुआ जब हाल ही में ईरान ने इसराइल और फिर इसराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की। इसकी शुरुआत सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हुए इसराइल के हमलों से हुई थी।